यह है आटे से बना जबरदस्त नाश्ता डुम्बू। झारखंड और पश्चिमी बंगाल के ट्राइबल एरिया में बनाया जाता है ट्राइबल पास्ता। ये नाश्ता इतना ज़्यादा टेस्टी है कि जो बच्चे खाना खाने में गुनगुनाते हैं वो भी इसे प्यार से खाएंगे। नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डो बनाएंगे। ये 1 कप गेहूं का आटा, वजन में 150 ग्राम, और इसमें डालिए 1/4 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार, और ये 2 टेबल स्पून दही, और 1/4 छोटी चम्मच से आधा बेकिंग सोडा यानी 1/8 छोटी चम्मच। नाप कर डालें, बहुत ज़्यादा नहीं। इन सबको मिला लें। वैसे तो डुम्बू के लिए जो डो बनाया जाता है उसमें दही और बेकिंग सोडा नहीं डाला जाता है। नमक डाल के आटा गूंद लेते हैं, लेकिन मैंने जब इसमें थोड़ा दही और बेकिंग सोडा डाल के बनाया तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आए, ज़्यादा सॉफ्ट डुम्बू बना। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हल्का सख्त आटा गूंद लीजिए, जैसा कि आप पराठे के लिए लगाते हैं। ये बाइंड हो गया। अब इसमें डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच ऑयल और इसे थोड़ा सा 3-4 मिनट बढ़िया तरीके से मसल लीजिए। ये डो बन गया। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है और सख्त भी नहीं है, और इतना डो बनाने में 1/3 कप पानी लगा है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के लगा दीजिए और इसे ढककर 20 मिनट के लिए रख दीजिए सेट होने के लिए। ये सेट हो गया। अब इसे थोड़ा सा मसल लीजिए। हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और अब इस आटे को इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ाकर इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ दीजिए। जैसे ये इतना बड़ा तोड़ा, अब इसका डुम्बू बनाने के लिए इसको गोल करिए और इस तरीके से थोड़ा सा लंबाई में शेप दे दीजिए। ये डुम्बू की शेप हो गई। हल्का सा मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना। तो बस ऐसी छोटी छोटी लोइयां पहले तोड़ लेते हैं और फिर इनसे डुम्बू बना लेते हैं। बहुत आसानी से, बहुत जल्दी बन जाता है। ये सारे इसी तरह से बना लीजिए। इधर हमने पानी उबलने के लिए रख दिया था, उसमें बढ़िया सा उबाल आ गया। ध्यान रहे कि जब पानी में अच्छे से उबाल आ जाए तभी इन्हें उबलने के लिए पानी में डालें, और 1 by 1, क्योंकि आप इकट्ठे इन्हें डाल देंगे तो पानी का उबाल एकदम खत्म हो जाएगा और ये घुलने लग जाएंगे। धीरे धीरे करके डालिए, पानी में उबाल बना रहना चाहिए। जैसे ही आपको लगे कि पानी का उबाल खत्म हो रहा है, रुक जाइए। और देखिए, हम डालते जा रहे हैं और ये फूल के ऊपर आते जा रहे हैं, तैरते जा रहे हैं। तो ये जो हमने दही और सोडा डाला है ना, उससे ये फूल कर बड़े हो जा रहे हैं, यानी अंदर से बहुत सॉफ्ट बनेंगे। सारे डाल दिए। अब आप इन्हें हल्के हाथ से चला सकते हैं। अब ढक दीजिए और इन्हें 10 मिनट तक उबलने दीजिए, फ्लेम तेज रहे। थोड़ा सा पार्शियल इन्हें इस तरीके से खोल सकते हैं ताकि पानी उफन कर ऊपर ना आए। और इधर ये उबल रहे हैं, तब तक हम इनके लिए मिर्ची और टमाटर काट लेते हैं। मैंने ये 1 हरी मिर्च ली है, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा तीखा बनाना चाहें तो मिर्ची 2 या 3 अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और ये 1 टमाटर मीडियम साइज का है, थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें से हम बीज हटा देंगे। ये कट गए। पूरे 10 मिनट तक हमने इन्हें बॉईल कर लिया, और देखिए ना कोई फटा है ना टूटा है, सब बहुत बढ़िया उबले हैं। इन्हें निकाल लीजिए अब छलनी में, इस प्याले से उठाकर दूसरे प्याले पर रख दीजिए, क्योंकि यहाँ जो पानी है उसमें भाप निकल रही है और ये कुक होता रहेगा उससे। एक एक अलग अलग है, बिल्कुल चिपके हुए नहीं है। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, और इन्हें जल्दी से ठंडा करने के लिए थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, जैसे आप पास्ता और नूडल्स के ऊपर डालते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो आ जाइए गैस के पास। कढ़ाई में डाल दीजिए 2-3 छोटे चम्मच ऑयल। ये बहुत ही कम ऑयल में बनने वाला नाश्ता है। अब डालिए 1/2 छोटी चम्मच सरसों के दाने, और जब सरसों चटर पटर हो जाए तब डालिए ये हरी मिर्च, क्योंकि सरसों को चटकाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी इसका बढ़िया टेस्ट आता है। फ्लेम को धीमा कर दीजिए, और ये 1 पिंच हींग, और ये टमाटर जो हमने काटा था, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई। मिर्च आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा, या बच्चे बिल्कुल नहीं खाते तो मत डालिए। और ये 1/4 छोटी चम्मच नमक, आटे में तो नमक डाला ही था, ये मसालों को बैलेंस करने के लिए। हल्का सा भूनिए, टमाटर को ज़्यादा गलाना नहीं है, और इसी में डाल दीजिए थोड़ा सा हरा धनिया। और अब ये डुम्बू, फ्लेम को बढ़ा लीजिए और इन्हें 1-2 मिनट मिलाते हुए कुक कर लीजिए।
आप इसमें और भी सब्जी डाल सकते हैं, पहले ऑयल में, जैसे हम पास्ता में डालते हैं शिमला मिर्च, गाजर, मशरूम, जो भी सब्जी डालना चाहें वो फटाफट हल्की सी क्रंची कुक कीजिए और डालकर मिला दीजिए। मैं इसे बिल्कुल सादा ही बना रही हूँ। तो ये बन गया, अब इसे सर्व कर लीजिए। बनाए ना बहुत आसानी से, बहुत ही जल्दी। ये बन गया डुम्बू, बहुत टेस्टी है ये, और इतना नाश्ता दो सदस्यों के लिए पर्याप्त है। बनाते वक्त क्या ध्यान रखना है, आटे में आप दही और बेकिंग सोडा डालें तो उसे नाप कर डालिए, और जब आप इसे पानी में डालें तो पानी में अच्छा उबाल आना चाहिए, और वन बाय वन धीरे धीरे डालिए, आप बहुत अच्छा डुम्बू बनाएंगे। तो आप ये डुम्बू पास्ता बनाइए, खाइए और बताइए कैसा लगा, और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लाइक और शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।